प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने एक वित्तीय डेटा साझा प्रणाली अकाउंट एग्रीगेटर यानी AA नेटवर्क को लॉन्च किया है। डिजिटल पहचान, आधार और डिजिटल भुगतान UPI के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सफलतापूर्वक निर्माण के बाद अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क आर्थिक रणनीति की दिशा में एक और कदम है। आप समझ लेते हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क क्या है। यह एक नेटवर्क प्रणाली है जिसमें कई अकाउंट एग्रीगेटर शामिल होंगे और उपभोक्ता जिसे चाहे उसे चुन सकता है। इसकी स्थापना RBI और अन्य नियामक संस्थाओं जैसे SEBI, IRDA, PFRDA के सम्मिलित निर्णय से हुई है। अकाउंट एग्रीगेटर, यह RBI द्वारा विनियमित एक इकाई NBFC अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त है। यह व्यक्ति के निर्देश और सहमति के आधार पर जानकारी को एक वित्तीय संस्थान से दूसरे वित्तीय संस्थान के साथ साझा कर सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर यानी AA जानकारी को सुरक्षित और डिजिटल रूप में साझा करता है। यह डेटा को कूट भाषा यानी एनक्रिप्टेड में साझा करता है और केवल प्राप्तकर्ता इसे समझ सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर किसी व्यक्ति के खाते की जानकारी यानी डाटा को देख नहीं सकता है। इसकी संरचना त्रिस्तरीय है। अकाउंट एग्रीगेटर यानी AA वित्तीय जानकारी प्रदाता यानी FIP और वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता यानी FIU। आइए जान लेते हैं अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के लाभ के बारे में। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के लाभ निम्नलिखित हैं। MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की औपचारिक ऋण तक त्वरित पहुंच। व्यक्ति की सहमति के बिना डेटा साझा नहीं होगा यानी निजता की सुरक्षा। बैंक खाता विवरण भौतिक रूप में देने और दस्तावेजों की नोटरी आदि से छुटकारा। बैंकों को लेन देन की लागत कम करने में सहायक। उपभोक्ताओं की अपने वित्तीय रिकॉर्ड जैसे बचत या जमा या चालू खातों से लेन देन डेटा या बैंक खाता विवरण तक आसान पहुंच और उपयोग पर नियंत्रण। कोई संपत्ति दस्तावेज गिरवी रखे बिना भविष्य की चालन प्रक्रियाओं के आधार पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा और एक छोर से दूसरे छोर तक कूट भाषा और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी तकनीक का उपयोग इस साझा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाता है। अब जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अकाउंट एग्रीगेटर यानी AA नेटवर्क को भारत के 8 सबसे बड़े बैंकों जैसे एक्सिस, ICICI, HDFC, इंडसइंड बैंक आदि के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इसमें पंजीकरण करना उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है। अकाउंट एग्रीगेटर अपने नाम के अनुरूप डेटा को एकत्र नहीं कर सकता है। यह निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांति लाने में सहायक होगा। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक अकाउंट एग्रीगेटर यानी AA व्यक्ति की सहमति के बिना डेटा साझा नहीं करता है। दूसरा, अकाउंट एग्रीगेटर डेटा को एकत्रित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।